तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एक अंडर बजट मूवी, बहुत ही छोटे से बजट वाली मूवी जिसमें ना कोई बड़ा स्टार है ना कोई बड़ा डायरेक्टर है, बावजूद इसके भाई ये मूवी 100 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। जबकि इस मूवी से बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्योंकि बहुत छोटे बजट में इस मूवी को बनाया गया था। सोचा जा रहा था 50-60 करोड़ कमा लेगी या 20-30 करोड़ प्रॉफिट कमा लेगी क्योंकि लग रहा था ठीक है। लेकिन भाई मात्र 6 दिन में ही ये ऐसा धमाल कर देगी, सबके आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स की मूवी इतनी कमाई नहीं कर पाती। पिछले साल किसी का भाई किसी की जान मूवी ले लो आप, सलमान खान की भाई साहब वो लाइफ टाइम कलेक्शन 115 या फिर 110 करोड़ के आसपास थी, लेकिन हनुमान ने मात्र 6 दिन में ही भाई साहब उस लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड को भी बीट डाउन कर दिया है। मतलब बड़े बड़े स्टार जो इस टाइम गंतूर कारम मूवी चल रही है, कैप्टन मिलर मूवी चल रही है, धनुष और महेश बाबू जिनका बोला बाला है साउथ में, और हनुमान भी साउथ रीजन से ही ब्लॉक करती है, बावजूद इसके पब्लिक उनको ना प्रिफरेंस देके भाई साहब इसको चॉइस ले रहे हैं, अपनी फर्स्ट चॉइस इस मूवी को ले रहे हैं और ये मूवी दमदार कलेक्शन कर रही है। भाई इसके पीछे बहुत से लॉजिक हैं कि ये मूवी इतनी जो अंडर बजट है इतनी सक्सेस कैसे अचीव कर रही है, क्योंकि इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सारी चीज़ों पर एक करके बात करेंगे, लेकिन क्या करना है उससे पहले वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। इसे मेकर्स की चालाकी कहो या स्मार्ट मूव कहो, कुछ भी कहो भाई, लेकिन दमदार तरीके से जो उन्होंने स्टेप लिया है, एक तो इस टाइम पर जो राम मंदिर का हिसाब किताब चल रहा है भाई, फुल ट्रेंडिंग पर चल रहा है, जो वो ट्रिगर कर रहा है पब्लिक को, वो इमोशनली एंड डिवोशनली जो कनेक्शन सेट होते नजर आए, क्योंकि सिर्फ साउथ रीजन में ही नहीं भाई, नॉर्थ रीजन में भी बहुत अच्छी तरीके से मूवी ट्रिगर करती आ रही है। दूसरा, मूवी को इस तरीके से नहीं बेचा जा रहा है कि ये सुपर हीरो बेस्ड फिल्म है भाई साहब, इस तरीके से बेचा जा रहा है कि ये ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन या डिवोशनल कनेक्शन हनुमान जी का ऐसे निखार के लाना कि बहुत सी मूवीज में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं माँ बहन हो जाती है ऐसे सिचुएशन में। लाइक आदि पुरुष ले लीजिए, आदि पुरुष से बहुत थू-थू कराई है क्योंकि बहुत सी उसमें अटपटांग चीजें दिखाई गई है जो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हनुमान के मेकर्स भाई उसी चीज को इतनी पॉजिटिवली दिखाते नजर आ रहे हैं कि वहां से हिस्ट्री के बेस पर बहुत सी चीजें पता लगी हैं कि भाई हनुमान से रिलेटेड ऐसी भी चीजें हैं क्या। तो ये चीज भाई मेकर्स ने बहुत अच्छा ट्रिगर किया है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। तो भाई मूवी की बात करें तो इस मूवी ने कितना कलेक्शन अभी तक कर लिया है भाई, जबरदस्त कलेक्शन करते निकल रही है। डे 7 पर आज इस मूवी ने एंट्री मार ली है और कल का अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल ऑक्युपेंसी 64% के आसपास थी, जो गंतूर कारम और कैप्टन मिलर जैसी मूवी की धज्जियां उड़ाते नजर आई एक बार के लिए। नेट इंडिया से 11.5 करोड़, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 14 करोड़ के आसपास ये मूवी करते नजर आई है कल एंड ऑफ द डे तक, और पहले 6 दिन में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ये मूवी का एंड ऑफ द डे तक आइए करते 80 करोड़ 66 लाख, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 98 करोड़, और पहले 6 दिन में वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन इस मूवी का हो चुका है 115 करोड़। भाई वही मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े स्टार्स की मूवी भाई, सर्कस मूवी रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनाई गई थी, 100 करोड़ भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी, यहाँ पर हनुमान मूवी ने भाई सिर्फ 6 ही दिन में बड़ी से बड़ी रिकॉर्ड को अपने खाते में रख लिया है। आज की बात करें, आज डे 7 है, आज क्या रुझान चल रहा है, बल्कि ये वर्किंग डे चल रहे हैं, बावजूद इसके बहुत अच्छी कमाई देखने को मिल रही है। वर्किंग डेज का अगर मैं आज 7वें दिन का कलेक्शन बताऊं तो भाई ऑक्युपेंसी आज भी 55-60% के आसपास है, और नेट इंडिया से 10 करोड़ कमाती ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक नजर आ रही है, और पहले 7 दिन में टोटल कलेक्शन ये मूवी आज कर लेगी 129 या फिर 130 करोड़ के आसपास। तो ह्यूज कलेक्शन भाई साहब, ये आंकड़ा कहाँ जाके रुकेगा कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि गंतूर कारम जो स्टार्टिंग में बड़ी फाड़ कलेक्शन लेके आई थी ओपनिंग, वो भाई अब नीचे आती जा रही है भाई। तो ये मूवी 200 करोड़ जाएगी, कितना जाएगी, क्या कांतारा वाला हिसाब किताब सेट करके जाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी आपने मूवी देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।